देखिए, जितने भी साइक्लोन सेंटर्स है वहाँ पे डीजी सेट का, पीने का पानी का और जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है ये सब का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी 4 बजे, शाम 4 बजे से इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कम से कम 3000 से 4000 लोग अभी तक इवैक्यूएटेड हो चुके हैं, ये स्टैटिस्टिक अभी तक आके पहुंचा है। रात 9:30-10 बजे तक पूरा स्टैटिस्टिक आके पहुंच जाएगा। और जैसे आप देख रहे थे कि जो साइक्लोन का आए है वो पूरा ये धामरा एरिया के ऊपर से गुजरेगा। ये IMD और ये अदर एजेंसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ठहरेंगे, पूरा रात को रहेंगे, कल भी रहेंगे। और जो जिले का हमारा ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ और धामरा पोर्ट के ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ से जैसे कोई भी कैजुअलिटी ना हो और सबको प्री इवैक्यूएशन किया जा सके इसका हम जायजा ले रहे हैं। देखिए, NDRF का टीम अभी भी है, ODRAF का टीम भी डिप्लॉय हो चुका है। उनको सब ग्रुप करके 10-12 ऐसे मेंबर करके हम डिफरेंट एरिया में भेज रहे हैं। 3 GP 4 ग्राम पंचायत में ऐसे एक एक NDRF रख रहे हैं। और अगर रोड ब्लॉक होता है तो कैसे 1.5-2 घंटे में ये पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। अगर पावर लाइन डिसरप्ट होता है तो उसको 3-4 घंटे में कैसे रिस्टोरेशन किया जा सकेगा। अगर पोल भी कहाँ पे खराब हुआ हो रहा है तो उसको भी 3-4 घंटे में हम उस एरिया को पावर लाइन देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो शेल्टर में है उन लोगों के लिए पावर लाइन बहुत जरूरत है। इसलिए कि वो लोग पीने का पानी ओवरहेड वाटर टैंकर के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। इसके अलावा हम पीने का पानी का बोतल जो है, ड्राई फूड है, कुक्ड फूड है, ये सब का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं।